हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे मेजर ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप यूज करके एडम के साथ यहाँ पे एबिलिटी यहाँ पे यूज कर पाओगे, और साथ ही साथ आप इन ट्रिक्स का यूज करके अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो वीडियो का अंत तक आप जरूर से देखना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कैसे हमारा पहला ट्रिक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, और इस ट्रिक को यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फ्री फॉर ऑल वाले मोड में आ जाना है, और जैसे आप इस वाले मोड के अंदर आ जाओगे फिर आगे जाके आप मेरे कैप को ध्यान से फॉलो करना। तो गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने ऐप को यहाँ पे किसी भी एनिमी से यहाँ पे किल करवा लेना है, और जैसे यहाँ पे किल हो जाओगे फिर आपको अपने बैक वाले बटन के यहाँ पे दो बार प्रेस करना है, और जैसे पे करोगे फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देखते हो ये वाला जो यहाँ पे मैच है ये अभी भी यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जैसे आप अपने बैक वाले बटन के यहाँ पे दो बार यहाँ पे प्रेस करोगे फिर आप में देखना आप मैच के बीच में एकदम से यहाँ पे बाहर की तरफ निकल लाओगे, और आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे विनर भी लिखा हुआ आ जाता है। और गाइस, ऐसा ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड फिर यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। बस आपको मेरा स्टेप्स के बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होगा, और आपकी ट्रिक काफ़ी सारे यहाँ पे कम कर जाएगी। सो गाइस, आपकी ट्रिक कैसी लगी, अगर आपकी ट्रिक यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो कैसे हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, ये भी काफ़ी खतरनाक है, और इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ क्राफ्ट लैंड वाली जगह में जाना है, और यहाँ पर आपको एक कस्टम को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो जैसे आप इस वाले कस्टम को यहाँ पे क्रिएट कर लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। तो जैसे आप इस वाले कस्टम को यहाँ पे क्रिएट कर लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको किसी भी जगह बीच में आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपने टायर को यहाँ पे लगा लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे टायर को यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप भी बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे टायर को लगा लेना। तो जैसे आप टायर को यहाँ पे लगा लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कोने में यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे टैप करना है। और जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पे टैप करोगे फिर आपको यहाँ पे ओवरले का यहाँ पे मोड देखने को मिल जाता है, तो आपको इस वाले मोड को यहाँ पे ऑन कर देना है। और जैसे आप इस वाले मोड को यहाँ पे ऑन कर लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने इस वाले टायर के अंदर यहाँ पे और टायर को यहाँ पे लगाते जाना है। और जैसे आप अपने सारे टायर को यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे लगा लोगे फिर आगे जाके आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, जैसे आपने सारे के सारे टायर यहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे लगा लोगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस सारी चीज़ को यहाँ पे सेव कर देना है। आप अपने होम वाला बटन में यहाँ पे प्रेस करना तो आपकी वाली चीज़ यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको आराम से अपने टायर के पास यहाँ पे जाना है, और जैसे आप जाओगे फिर आपको यहाँ पे काफ़ी खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पाओगे जो आपके यहाँ पे करेक्टर होगा वो सीधा ग्लिच करके मैप के नीचे यहाँ पे चला जाएगा, और अगर सोसाइटर का भी यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। सो गाइस, आपको ट्रिक कैसी लगी, अगर आपको ट्रिक भी पसंद आई तो कमेंट करके आप जोर से बताना। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, ये भी काफ़ी खतरनाक है। तो जैसे कि आपको पता होगा आप एडम के अंदर यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर की एबिलिटी यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो आपके यहाँ पे एडम होता है वो बिल्कुल यहाँ पे नूब लगता है। तो अगर आपको अपने एडम को यहाँ पे एबिलिटी के साथ यहाँ पे यूज़ करना है तब आप मेरे को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, इस ट्रिक को आप किसी मोड के अंदर आराम से यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे आप किसी मोड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको यहाँ पे डुओ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डुओ को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कैरेक्टर वाली जगह में आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद फिर आपको अपने एडम को सेलेक्ट करके लॉबी में चले जाना है। तो जैसे आप लॉबी में आ जाओगे फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दोबारा से यहाँ पे कैरेक्टर वाली जगह में चले जाना है। तो अब आपको यहाँ पे जिस भी कैरेक्टर के यहाँ पे एबिलिटी एडम के अंदर यहाँ पे यूज़ करनी है आपको उस वाले कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप उस वाले कैरेक्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे फिर आपको जितनी भी यहाँ पे एबिलिटी एक्टिव वाली वो सबके सब आपको यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर के यहाँ पे हटा देनी है। तो जैसे आप एबिलिटी यहाँ पे हटा दोगे फिर से आपको यहाँ पे एडम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप एडम को यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे फिर आपको अपने मैच को यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो जैसे आप मैच को यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे फिर आपको यहाँ पे काफ़ी खतरनाक सीन देखने को मिलेगा। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे मैं यहाँ एडम को सिलेक्ट करके यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे आ चुका हूँ। और जैसे कि आप कोने में यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ईपी वाला आइकन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे करैक्टर के यहाँ पे एबिलिटी यहाँ पे एडम के साथ यूज़ करने की यहाँ पे कोशिश करी थी वो यहाँ करैक्टर के की एबिलिटी एडम के साथ यहाँ पे आ चुकी है। और गाइस, स्वेटर का यूज़ करके आप एडम के अंदर किसी भी एबिलिटी को आराम से आप यूज़ कर पाओगे, और अपने फ्रेंड्स और अपने एनिमीज को भी यहाँ पे सरप्राइज कर पाओगे। सो गाइस, जितने भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया सारी ट्रिक्स आपको कैसी लगी, अगर आपको सारी ट्रिक्स यहाँ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।